कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री का दिल से स्वागत और अभिनंदन करेंगे और से हमारे बच्चे पढ़े और समाज का उद्धार हो और बराबर में अन्य समाजों के बराबर आकर के हम अपने आप को यूं गौरवमयी महसूस करें। जितने कॉम्पिटिशन होते हैं कबीर जी के दोहे जरूर पढ़ाए जाते हैं। ये कबीर जी कोई एक समाज के नहीं, सर्व समाज के संत थे। और घुमाना का चुनने का एक बहुत बड़ा काम ये है कि जितनी भी बड़े कार्यक्रम होते हैं वो घुमाना से शुरू। 22 जून को संत कबीर जयंती का राज्य स्तरीय समारोह इस बार गोहाना में होगा। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी होंगे। धानक समाज शिक्षा सभा के तत्वाधान में होने वाला ये समारोह नई सब्जी मंडी के नवनिर्मित शेड के नीचे होगा। राज्य स्तरीय कबीर जयंती समारोह की अध्यक्षता पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व ओएसडी अमरजीत सोलंकी करेंगे। संयोजन मेजबान धानक समाज शिक्षा सभा के अध्यक्ष सुरेश लाठ करेंगे। सुरेश लाठ गोहाना पंचायत समिति की पूर्व चेयरपर्सन के पति हैं। समारोह की तैयारी करने वाली कमेटी में रमेंद्र देहराज, सुरेंद्र बड़ौदा, अनिल कटवाल, देवेंद्र भसोड़, रवि खन्ना, राम कुमार महारा, राजवीर मोहाना और जगमंद्र बागड़ी करेंगे। इस राज्य स्तरीय समारोह के साथ नई सब्जी मंडी के शेड का राजनीतिक रैलियों के लिए पुनः प्रयोग प्रारंभ हो जाएगा। पिछले साल 14 जुलाई की शाम को आए तेज तूफान में दोनों शेड धराशायी हो गए थे। उनकी जगह अब HSAMB ने एक ही बड़ा शेड तैयार किया है। दोनों शेडों के गिरने से पहले गोहाना में आमतौर पर जितनी भी राजनीतिक दलों की रैलियां होती थी उन्हीं शेड के नीचे होती थी। राज्य स्तरीय कबीर जयंती समारोह फिर से नई सब्जी मंडी रैलियों का अखाड़ा बना देगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम मैं तो सभी प्रदेशवासियों का हार्दिक अभिनंदन और सबसे पहले तो धानक समाज का अभिनंदन करता हूं, जो कि इस गोहाना के इस टीम को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहली बार भी प्रोग्राम हुए हैं लेकिन यहां अब की बार राज्य स्तरीय प्रोग्राम जो होगा उसका मैं इस टीम का हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूं। इनका सौभाग्य है जो पूरा राज्य स्तरीय प्रोग्राम। और रही बात सरकार को भी अब पता है, धानक समाज इस सरकार के साथ है और जो हमारी मांगे हैं हमारे को विश्वास है नायब सैनी साहब सीएम साहब हमारा जो सरकार से मांगे हैं वो भी पूरी करेंगे। और यहाँ गोहाना पहुँचने पर सीएम साहब का पूरी टीम भी और समस्त धानक समाज पूरे हरियाणा से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है और बहुए प्रोग्राम करके दिखाएंगे सभी धानक समाज यहाँ का, हम ये आश्वासन देते हैं। जी सर, कुछ साहब राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किस तरह की तैयारी है? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूं। जो प्रोग्राम हमारे बड़े भाई ने ओएसडी साहब ने हमारे को जो मुख्यमंत्री का जो समय दिलवाया है उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री का कि जो उन्होंने हमारे को समय दिया और हमारे समाज में धानक समाज के अंदर बहुत ही बड़ा उत्साह है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुँचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री का दिल से स्वागत और अभिनंदन करेंगे और ज़ोर शोर से पूरा धानक समाज पूरा हरियाणा से ये संदेश देगा कि भाई धानक समाज भी एक बहुत अच्छी जो अपने कबीर साहब के बे नियम और कदमों पे चलने वाली कौम है वो है धानक समाज। राज्य स्तरीय कार्यक्रम बनाया जा रहा है गोहाना के अंदर, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ समाज से अपील है और क्या उम्मीदें हैं सरकार से? ऐसा है अरुण जी कि हमारा धानक समाज सदियों से वंचित समाज रहा है, पिछड़ा हुआ समाज। आज जो ये हरियाणा प्रदेश का राज्य स्तरीय जो सम्मेलन संत कबीर जयंती का जो आयोजन गोहाना में सोनीपत रोड सब्जी मंडी में होगा, जो हमारी गोहाना की टीम है संत कबीर छात्रावास की, सुरेश जी बैठे हैं और हमारे सतवीर ठेकेदार जी, अन्य हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं, इन्होंने एक मजबूती के साथ अपनी मांग को मुख्यमंत्री के पास जिसकी मध्यस्थता अमरजीत जी सोलंकी ने की, मुख्यमंत्री से मिलवाने का काम किया और वो टाइम 22 तारीख का मुख्यमंत्री ने स्वीकार करते हुए गोहाना में आने का जो हमने न्योता दिया था संस्था के पदाधिकारी ने वो न्योता स्वीकार कर लिया और 22 तारीख को
दानक समाज का, हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा बहुत भारी संख्या में गोहाना में पहुंचेगा और हम उस जनसभा के माध्यम से सरकार से ये मांग भी करेंगे। हमारा समाज उपेक्षित समाज है कि इस समाज का उद्धार कैसे हो, भाई हमारी संस्था में कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा हो, कोई भाई कोई कोर्स आ जाए या कोई स्कूल का हो, कोई लाइब्रेरी की फैसिलिटी हमें मिले जिससे हमारे बच्चे पढ़ें और समाज का उद्धार हो और बराबर में अन्य समाजों के बराबर आकर के हम अपने आप को यूँ गौरवमय महसूस करें। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय अमरजीत जी सोलंकी जो हमारे OST 2 CM रहे हैं, मैं उनका हृदय की कराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्होंने हमारे साथ धूप में, छाव में, बरसात में हमारे साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ खड़े रहे। कुछ शक्तियां बीच में ऐसी भी आई जिन्होंने इस प्रोग्राम को विचलित करने का प्रोग्राम किया, लेकिन मैं बधाई देता हूं अमरजीत जी को, उन्होंने इस प्रोग्राम को टस से मस नहीं होने दिया और ये उन्होंने संकेत दे दिए मुख्यमंत्री के सामने कि यदि गोहाना में कोई कबीर जयंती मनाएगी तो गोहाना में मनाएगी, राज्य सत्ता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आप प्रेस के भाई हैं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। समाज के लोगों का भी मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। कार्यक्रम लेके आए गोहाना में, क्या कुछ मकसद है? देखिए सर, हमारी संस्था ये 1979 से चल रही है, संत कबीर आश्रम के नाम से, और इसमें अभी तक ये पूरी तरह ना तो इसमें बिल्डिंग है ना इसमें कोई मतलब विकसित है नहीं है पूरी तरह से, तो इसके लिए हम सरकार से इसके विकास के लिए कुछ डिमांड रखेंगे और सरकार से ये प्रार्थना करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके कोई शिक्षा स्तर का या कोई और कोचिंग सेंटर वगैरह इसमें लाने की मांग करेंगे। जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ मैसेज? जो कबीर महाराज की जयंती जो गोहाना में मनाई जा रही है, मैं पूरे धानक समाज से और जितने भी कबीर महाराज के अनुयायी हैं उनसे अनुरोध करूंगा। इनफैक्ट कबीर जी के जो दोहे हैं, गुरु नानक जी के जो अपने क्या बोलते हैं उसको गुरुवाणी में बहुत सारे दोहों का उल्लेख है, उनकी वाणी पढ़ी जाती है, पहली से लेकर जब जितने कंपटीशन होते हैं कबीर जी के दोहे जरूर पढ़ाए जाते हैं। ये कबीर जी कोई एक समाज के नहीं, सर्व समाज के संत थे, तो इनकी जयंती मनाने के लिए मैं हरियाणा के हरेक वासी से रिक्वेस्ट करूँगा कि 22 तारीख को गोहाना में पहुँचने का काम करें ताकि ये भव्य जयंती मनाई जाए। और एक और अनुरोध करूँगा, क्योंकि राज्य स्तरीय जयंती है, तो मैं अपने समाज से ये जरूर अनुरोध करूँगा कि उस दिन कबीर जयंती गोहाना में है और अपनी जो कबीर जयंती है वो आगे या पीछे मनाने का काम करें, ताकि जो हमारे समाज की जो मुख्य जो मांगे हैं, जो भी इनकी मांगे हैं, वो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मनवाई जा सके। सरकार से उनसे अनुरोध किया जाए कि भाई हमारी ये मांगे हैं जो कि पूरी की जाए। आप राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, क्या कुछ देखा है और ये सुरेश चेयरमैन है, जो सभा के चेयरमैन है, 20 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी से करनाल में हमारे समाज की मीटिंग हुई थी, तो इन्होंने वहाँ डिमांड रखी कि भाई कबीर जयंती गोहाना में मनाई जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी को सहर्ष इस चीज़ को मान लिया कि ये जयंती गोहाना में मनाई जाए। और गोहाना का चुनने का एक बहुत बड़ा काम ये है कि जितनी भी बड़े कार्यक्रम होते हैं वो गोहाना से शुरू, पहले उज्जैन को मानते थे, लेकिन आजकल अगर देखें पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आए थे रैली करने के लिए, उससे बड़े पहले भी काफ़ी प्रोग्राम यहाँ बड़े बड़े हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की इनकी ये बात मान ली। तो क्या तारीख रहेगी, क्या स्थान रहेगा, मकसद क्या रहेगा जयंती के साथ, किस तरह से जो उत्थान की बात? जयंती की जो तिथि है वो कबीर जयंती है 22 तारीख को, स्थान रहेगा सब्जी मंडी रेस्ट हाउस के सामने और सुबह 10 बजे।
तो इस जयंती के माध्यम से क्या कुछ आप अपेक्षा करते हैं, दिखाना चाहते हैं, मकसद है कुछ? इसमें ये सरकार करीब 9-10 साल से जितने भी संत महात्मा हैं, बड़े बड़े संत हैं, चाहे वो रविदास जी हों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, कबीर जी हों, गुरु नानक जी हों, धन्ना सेठ जी हों, और बहुत जो संत हैं अलग अलग कायस्थ समाज के जो संत हैं, वो सरकारी तौर से मनाते हैं। तो 2019 में जींद में मनाएगी, 2022 में रोहतक में मनाएगी। एक बार जब कोरोना था, कोरोना काल में सीएम रेजिडेंस पे मनाई गई, अब की बार सरकारी तौर पे ये गोहाना को चुना। तो क्या कुछ ताकत दिखाएंगे इसमें? नहीं, ताकत नहीं, सरकारी कार्यक्रम है। एक ही मकसद है, उस दिन कबीर महाराज की जो जयंती, उसको भव्य तरीके से, शानदार तरीके से मनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें चीफ गेस्ट होंगे, और जो संस्था जिन जिनको चाहेगी, जिन नेताओं को, जिन अधिकारियों को बुलाना चाहेगी, इनकी जिम्मेदारी।